नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फैन टू प्ले फैंटेसी एप्लीकेशन के सारे फीचर्स और अर्निंग करने के तरीकों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। और मैंने इसके डाउनलोडिंग एंड रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना रखा है, तो आप लोगों को उस वाले वीडियो की लिंक एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, तो आप एंड स्क्रीन से उस वाले वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा उसको भी, ताकि आप लोगों को डाउनलोडिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों इस वाले वीडियो में इसके सारे फीचर्स के साथ साथ इससे अर्निंग करने के तरीके भी बताने वाला हूँ। बहुत कमाल के तरीके होते हैं, वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, आपको फैन टू प्ले एप्लीकेशन में कोई डाउट नहीं आएगा और इससे आप अर्निंग करना भी सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से इसका इंटरफेस होता ही है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल का ही ऑप्शन मिल जाता है आप लोगों को, और इसके बाद इस टाइप का इंटरफेस होता है। एप्लीकेशन काफ़ी स्मूथ है, आप लोग डेफिनेटली इस एप्लीकेशन को यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को प्राइज पूल्स भी मिल रहे हैं। अभी के लिए इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ की T20 सीरीज़ भी चल रही है, तो उसके लिए यहाँ पर अलग से लीडर बोर्ड्स भी बने हुए हैं। ठीक है, जब आप डिपॉजिट करते हैं तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कैश भी मिल जाता है, बोनस भी मिल जाता है, जो बोनस यूजेबल भी होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले यहाँ पर सारी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू प्ले फैंटेसी पॉइंट सिस्टम सेम ही रहती हैं, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। टूर्नामेंट लीडर बोर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, टूर्नामेंट लीडर बोर्ड्स, इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पर इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है कि करोड़ों में पार्टिसिपेशन हो रहा है। ठीक है, फिर भी 300 बंदों तक प्राइस पूल रहता है, ये काफ़ी बेहतर बात है। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं सभी के लिए प्राइस पूल्स होते हैं, तो यार बहुत अच्छी बात है दोस्तों इस एप्लीकेशन की, कि यहाँ पर छोटे छोटे जो लीग्स होते हैं, जैसे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की ही सीरीज़ हो रही थी 29 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में, जो T20 सीरीज है ना, वहीं पर वो लोग 300 इंडिविजुअल्स तक पैसे बांट रहे हैं। और दोस्तों अगर आप लोग लीडर बोर्ड्स वगैरह अगर आप सीरीज में मल्टीपल टीम्स के साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं ना हर मैच में, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि लीडर बोर्ड में आप अच्छी रैंक पा जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर अच्छी अच्छी रैंक वालों को, मतलब आप लोग देख सकते हैं कि 26 से 75 तक वाले बंदों को भी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों इतनी सारी चीज़ें और भी हैं। ठीक है, तो इतने सारे टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं, आप डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर विन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों बात आती है कि डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड। ठीक है, तो ये भी लीडर बोर्ड चलता रहता है, इसके बारे में आप भी एक्सप्लोर कीजिए भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू विनर्स ऑफ डिपॉजिट्स लीडर बोर्ड्स 14th to 21st July, नेक्स्ट लीडर बोर्ड कमिंग सून। ठीक है, जो ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं उसको भी मिलता रहता है। ठीक है, अपलोड और KYC, रेफर एंड अर्न का भी दोस्तों कमाल का सिस्टम है। यू रेफर दे साइन अप, और जैसे ही वो बंदा साइन अप करेगा तो भी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, और बोनस भी मिलेगा आपको उसके थ्रू, और दोस्तों जब वो बंदा डिपॉजिट करेगा तो आपको रियल कैश भी मिलेगा। राइट, वो मतलब काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अपडेट और KYC आप लोग अपडेट कीजिएगा ही। ठीक है, KYC में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप अपनी ईमेल ID वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, फ़ोन नंबर वेरीफाई कर दीजिए, उसके बाद पैन कार्ड नंबर वेरीफाई करना होता है, और उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करते जाइएगा, आपकी KYC हो जाएगी, और उसके बाद आप बड़ी ही आसानी के साथ विड्रॉ कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, एप्लीकेशन वैसे भी स्मूथ है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में आप लोगों को व्हाट्सएप चैट का भी ऑप्शन मिल जाता है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ईमेल, ट्विटर, फेसबुक, ये सारी जगह पे आप लोगों को ईमेल सपोर्ट भी मतलब सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्ले एंड विन पर जाएंगे, तो प्ले एंड विन पर दोस्तों आप लोगों को देख सकते हैं ये बाकी सारे गेम्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं, तो ये गेम्स भी आप लोग खेल सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, माई मैचेस पे जाएंगे, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर रखे होंगे मैचेस, तो यहाँ पर माई मैचेस में मैचेस आ जाएंगे, अगर नहीं कर रखे होंगे तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो लीडर बोर्ड्स ये सारे लीडर बोर्ड्स वही चीज़ है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग ठीक है, इसके बाद आप लोगों को जाना है कहाँ पर, इसके बाद आप लोगों को वॉलेट पर चले जाना है, तो देख सकते हैं रेफर नाउ करेंगे तो यहाँ से आप पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर माई ट्रांजेक्शन में मैं आप लोगों को एक चीज़ जरूर बता दूंगा कि ये जैसे आपने रेफर किया और बंदे डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये यहाँ पर 20 रुपये साइनअप बोनस आपको मिला। ठीक है, तो यहाँ पर 20 रुपये बेस प्राइस हो गया। ठीक है, अभी आपके पास 20 कैश बोनस है। ठीक है, ये 10 रुपये और ऐड हुआ। ठीक है, 10 रुपये और ऐड हुआ तो आपके पास 30 रुपये हो गए, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, आप लोग इस 30, 40, 50 इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 27 जुलाई को 10 रुपये और ऐड हुआ, तो 30 से 40 रुपये हो गए। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर देख सकते हैं 3 अगस्त को 10 रुपये और ऐड हुआ, तो 94 रुपये हो गए, और उसके बाद 30 रुपीज़ का बोनस जो है वो एक्सपायर हो गया, मैंने यूज नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर 30 रुपये एक्सपायर हो चुके हैं, और वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब 64 रुपये बचे हुए हैं, तो इस तरीके से, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं इसके सारे फीचर्स बता चुका हूँ, इसी तरीके से फुटबॉल में भी होता है। ठीक है, तो मैं क्रिकेट को बेस मानता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया का मैच आने वाला है, यहाँ पर आप दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं अर्निंग का तरीका भी कमाल का बताने वाला हूँ। बेस्ट तो एक अर्निंग का तरीका तो वही हो गया
कि आप रेफ़र कीजिएगा, रेफ़र से आप लोग दोस्तों डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी सारा पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो रेफ़र एंड अर्निंग जरूर कीजिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और रेफ़र कोड बिल्कुल सही डालिएगा, और जब आप अपने दोस्तों को भी रेफ़र कीजिएगा तो रेफ़र कोड बिल्कुल सही डलवाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ वर्सेज इंडिया का मैच है, यहाँ पर फ्री एंट्री भी अवेलेबल है, उसके थ्रू भी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्री एंट्री अवेलेबल है, तो आप इसके थ्रू डेफिनेटली दोस्तों अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और 3865 बंदे तक विनर्स हैं, और देख सकते हैं आप ये इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ का फाइनल T20 मैच है, और यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम स्पॉट्स ही 8572 हैं, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स भी जब पार्टिसिपेट करेंगे तो इतने इंडिविजुअल्स ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। और इनमें से कई कई बंदे तो ऐसे होते हैं जिन्होंने दोस्तों सिर्फ 5 मैचेस किसी वजह मान के चलो तो एक मैच में ही ज्वाइन किया, तो ये लोग लीडर बोर्ड्स में रैंक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 बंदे ही होंगे जो हर मैच में ज्वाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो ही बंदे रैंक करवा पाएंगे, और वही बंदे मतलब चार चार पाँच पाँच टीम्स डाल रहे होंगे या फिर और मल्टीपल टीम्स डाल रहे होंगे, तो वही बंदे लीडर बोर्ड्स में रैंक कर पाएंगे। तो मेरा आपको सजेशन है दोस्तों, आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम टीम्स के साथ ज्वाइन किया कीजिए, और जैसे 5 मैचों की सीरीज है तो अगर आप 5 के 5ों मैचेस में ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी मल्टीपल टीम्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, तो ही इन इस टाइप के कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कीजिए, वरना इसके अलावा यहाँ पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप लीडर बोर्ड्स में रैंक करना चाहते हैं तो ही कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए, ये मैं आप लोगों को एक दोस्त की तरह सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कमीशन दोस्तों, अगर आप 15 से 20% का या 10% का भी कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन देने का कुछ मतलब नहीं है ऐसे, इसके लिए तो आप लोगों को 0% कमीशन वाले कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हालांकि यहाँ नहीं मिलते, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो दोस्तों लीडर बोर्ड में रैंक करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, इनके कॉन्टेस्ट किस तरीके के होते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर बिनर्स देख सकते हैं आप, 3430 रुपीज़, 30 बंदों तक आप बिनर हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है गारंटीड कॉन्टेस्ट, ठीक है, गारंटीड बिनिंग इवन इफ स्पॉट्स रिमेन अनफिल्ड, मतलब स्पॉट्स रिमेन अनफिल्ड भी रह जाते हैं, मतलब अनफिल्ड भी रह जाते हैं तो भी आप लोगों की बिनिंग निश्चित होगी। लेकिन दोस्तों इसके बाद इन्होंने नीचे अलग से ये भी लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ टाई, और इन केस ऑफ टाई, ठीक है, और द कॉन्टेस्ट रिमेन्स अनफिल्ड, कॉन्टेस्ट डज नॉट फिल, मतलब कॉन्टेस्ट अगर फिल नहीं होता है और या फिर टाई हो जाते तो इनकी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो मतलब इसमें कोई अपन को फायदा नहीं होने वाला है कि इनका कॉन्टेस्ट अगर अनफिल्ड रह गया तो अपन मल्टीपल टीम्स के साथ ज्वाइन कर दें, है ना, या फिर बहुत सारी टीम्स के साथ ज्वाइन कर दें तो अपन को फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इनकी प्राइज मनी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन हाँ प्राइज मनी का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है डेफिनेटली है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाता है, तो उससे आपको फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन आप लोग कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो अपने बेस पर बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 25 रुपये वाला कॉन्ट्रैक्ट है, मान के चलिए यहाँ पर 20% दोस्तों बोनस भी यूजेबल है, ठीक है, तो बोनस डेफिनेटली काम आता है, ठीक है, और बहुत जल्दी यूज़ करना पड़ता है वरना बोनस एक्सपायर हो जाता है कुछ ही दिनों में, ठीक है। आप लोगों ने देखा मेरा जो पैसा आया हुआ था उसमें बोनस एक्सपायर हुआ डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पर 25 रुपये की जो एंट्री रहेगी इसमें आप देख सकते हैं 8572 स्पॉट्स हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अनुमान लगाइएगा कि 25 रुपये की एंट्री आप लोगों को ऑलमोस्ट 20 रुपये में हो रही है, क्योंकि 20% तो बोनस यूज हो गया, तो 20 रुपये की एंट्री हो रही है, तो मतलब 1,70,000 के आसपास आप लोगों को पैसा अमाउंट पे करना पड़ रहा है, और ये लोग 1,050,100 मतलब 1,50,000 के आसपास रुपये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये लोग 10 से 15% के बीच में आप लोगों के से कमीशन ले रहे हैं, हालांकि बाकी कुछ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा ज़्यादा कमीशन भी लेते हैं, ठीक है, मैंने उन एप्लीकेशंस के बारे में भी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 10 से 15% कमीशन ले रहे हैं दोस्तों। एक तरीके से आप दे भी सकते हैं, लेकिन कब दे सकते हैं मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप लीडर बोर्ड्स में रैंक करना चाहते हैं किसी सीरीज के, आप सभी मैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी मल्टीपल टीम्स के साथ, है ना, क्योंकि लीडर बोर्ड्स में रैंक तभी कर सकते हैं जब आप मल्टीपल टीम्स के साथ ज्वाइन करेंगे, और उस मैच में जो आपकी सबसे बेहतर टीम बनेंगी तो उस टीम के अकॉर्डिंग रैंक, उस टीम के अकॉर्डिंग ही रैंक मानी जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप इन कॉन्टेस्ट में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वरना कॉन्टेस्ट को ज्वाइन मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अगर आपके पास बोनस नहीं है तो यार मुश्किल बात है, तो इसलिए आप बोनस जरूर बना के रखिएगा, और जब आप रेगुलर डिपॉजिट करते रहेंगे तो बोनस आपके पास रहेगा ही, ठीक है। इसके अलावा जो जो दोस्तों फ्री का फ्री की एंट्री है वो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर ही सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एक दो और मैं धमाकेदार चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है, कि आप कौन सा कॉन्टेस्ट अगर यहाँ पर भी आपको ज्वाइन करना है तो कौन सा कॉन्टेस्ट है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल मिनिमम एंट्री लगने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, 2 मिनट का वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, कि इस एप्लीकेशन से आप लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं, उसमें मैं इस वाले पॉइंट को भी इंक्लूड कर दूंगा। हालांकि यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है, बट डेफिनेटली यार दोस्तों 3 वीडियोज़ की मैंने पहले ही सोच रखा था कि 3 वीडियोज़ बनाऊंगा, है ना। हालांकि तीसरा वाला ज़्यादा कुछ नहीं रहने वाला, वहाँ पर मैं यही बताऊंगा आप लोगों को कि यहाँ से आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन करें जहाँ पर आपको मिनिमम कमीशन लगने वाला है, मतलब 10% का कमीशन भी आप लोगों को नहीं देना है, 5% पर आया कीजिए, उससे ज़्यादा कमीशन आप डेफिनेटली प्रोवाइड नहीं कर सकते किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर सारी चीज़ें बता चुका हूँ, कब आपको यूज करना है, कैसे यूज करना है और कैसे आप फायदा कमा सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब इस वाले वीडियो को खत्म करने का टाइम हो चला है। ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग वैसे भी वॉच नहीं करते हैं पूरा, और फिर वीडियो रैंक नहीं करता है और मेरा वीडियो डाउन हो जाता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों सपोर्ट किया कीजिए, मैं बिल्कुल एनालिसिस करके ही वीडियो बनाता हूँ। जब तक एनालिसिस नहीं कर लेता, आप लोगों के लिए फालतू वीडियोज़ बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल पर चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे भी आप लोगों को प्रॉफिट होगा। डेफिनेटली कुछ सीरीज हुआ करते हैं जिनमें मैं अपनी तरफ से टीम प्रोवाइड करता हूँ, और टीम्स बहुत बेहतर होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो सपोर्ट करते रहिएगा और जल्दी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। एंड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और रह गई है कि अगर आपने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, और दोस्तों इस एप्लीकेशन के डाउनलोडिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको जाननी है, तो वो वाला वीडियो आपको एंड स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, तो आप लोग उस वाले वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा, आपको डाउनलोडिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।